गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर वेल टूडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर थर्टीन वंडरफुल क्लॉथ्स वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्राउड एंड फुलिश एम्पर हु वॉज वेरी फाउंड ऑफ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स एक बा एक समय की बात है एक अभिमानी और मूर्ख शासक था जिसको कि जो कि नए कपड़े वेअरिंग मीन पहनने का न्यू क्लोथ नए कपड़े जो कि नए कपड़े पहनने का बहुत शौकीन था फाउंड ऑफ शौकीन ही स्पेंड सो मैनी आवर्स एवरी डे इन हीज़ ड्रेसिंग रूम ट्राइंग आउट न्यू क्लोथ वह बहुत सो मैनी आवर्स एवरी डे वह प्रतिदिन बहुत सारे घंटे कहाँ बिताता था अपने ड्रेसिंग रूम में नए कपड़ों को नए कपड़ों को ट्राई करने में नए कपड़ों को देखने में ही लगाता रहता था व्यतीत करता था स्पेंट मीन्स व्यतीत करता था अब ये जो स्टोरी है ये आपको ऐसे शो हो रहा है जैसे सीन वन आएगा सीन टू मीन्स पर्दे पे दिखाई जा रही है जैसे कोई नाटक चल रहा हो सीन वन हॉल इन द एम्प्रर्स पैलेस शासक के महल में एक हॉल का दृश्य है ये एज द कर्टन गोज अप जैसे ही पर्दा ऊपर जाता है द एम्प्रर इज सीन कमिंग आउट ऑफ हिज ड्रेसिंग रूम इनटू द हॉल वेयर हिज चीफ मिनिस्टर इज वेटिंग जैसे ही पर्दा ऊपर जाता है एम्प्रर को अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए बाहर कहाँ पे आ रहा है वो कमिंग इन टू द हॉल हॉल में आ रहा है जहाँ पर मुख्यमंत्री उसका जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है द एम्प्रर इज़ इन अ वेरी एंग्री मूड और जो वो शासक है वो जो राजा था जो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इज़ इन अ वेरी एंग्री मूड गुस्से वाले मूड में था एम्पर पॉइंटिंग टू हिज ड्रेसिंग रूम अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए यूजलेस बेकार ऑल दीज क्लोथ्स आर यूजलेस ये सारे कपड़े बेकार हैं आई कॉन्ट वेयर एनी ऑफ दीज मैं इनमें से कुछ भी नहीं पहन सकता चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं योर मेजस्टी महाराज दीज आर द बेस्ट दैट आई कुड गेट फॉर यू टूडे ये सबसे अच्छे हैं दीज आर द बेस्ट ये सबसे अच्छे हैं जो मैंने आज आपके लिए प्राप्त कर सका एम्प्र द बेस्ट सबसे अच्छे यू से तुम क्या कहते हो इफ़ दीज आर द बेस्ट माई एम्पायर इज़ फुल ऑफ वर्थलेस टेलर्स कहते हैं कि अगर ये सबसे अच्छे हैं तो मेरे राज्य में जो मेरा राज्य है वो बेकार वर्थलेस योग्य अयोग्य बेकार जिसको हम कहेंगे बेकार दर्जियों से टेलर्स दर्जियों से भरा हुआ है बैनिश देम ऑल इन सब को निकाल दो आई वॉन्ट अ टेलर हु कैन मेक मी डिफरेंट सेट ऑफ क्लॉथ्स एवरीडे मैं एक ऐसा दर्जी चाहता हूँ जो मुझे हर रोज़ अलग कपड़ों का सेट दे सके मेरे लिए बना सके यू मे गो नाउ अब तुम जा सकते हो कम टू मी ओनली व्हेन यू फाइंड अ न्यू टेलर मेरे पास तभी आना जब तुम्हें कोई नया दर्जी मिल जाए द चीफ मिनिस्टर्स बोज एंड टेक्स अ फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स द डोर चीफ मिनिस्टर क्या करता है अपना सिर झुकाता है और दरवाजे की तरफ कुछ कदम बढ़ाता है देन स्टॉप्स एंड द टर्न टू वार्ड्स द अगेन और फिर रुकता है और राजा की तरफ दोबारा मुड़ता है चीफ मिनिस्टर योर मेजेस्टी सिंस यस्टरडे टू टेलर्स फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड हैव बीन वेटिंग आउटसाइड द पैलेस टू सी यू कहते हैं कि महाराज कल दो दर्जी जो दूर दूर द, दूर देश से आए थे वो क्या कर रहे हैं महल के बाहर आपसे टू सी टू सी यू आपको मिलने का मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं दे से दैट दे आर द मैजिक टेलर्स वो कहते हैं कि वो जादुई दर्जी हैं दे स्टिच द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लॉथ फ्राम द फाइनेस्ट सिल्क दे है वो क्या कहते हैं कि वो उनके पास एक सबसे बढ़िया सिल्क है जिससे वो सबसे अच्छा कपड़ा सिलते हैं एम्प्र मैजिक टेलर्स जादुई दर्जी हु मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लोथ जो सबसे सुंदर कपड़ा बनाते हैं देन वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम गो एंड ब्रिंग दैम इन एट वंस तो तुम अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो क्यों बेकार गवा रहे हो जाओ और उनको जल्दी अंदर लेकर आओ द चीफ मिनिस्टर गोज आउट चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बाहर जाता है एंड सून रिटर्न विद टू मैन वर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस चीफ चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री जाता है और जल्दी ही दो आदमियों को लेकर आता है और वो दो आदमी कहाँ खड़े हैं एंट्रेंस पर खड़े हैं द टू मैन बो बिफोर द एम्प्र और दोनों एंट्रेंस पर खड़े होकर राजा के सामने अपना दोनों झुकते हैं इन कम इन अंदर आओ अंदर आओ आई हेयर यू हैव द फाइनेस्ट सिल्क एंड यू मेक वंडरफुल क्लोथ्स आउट ऑफ इट कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सबसे बढ़िया सिल्क है और तुम उससे अद्भुत कपड़े बनाते हो फर्स्ट टेलर येस योर मेजेस्टी पहला दर्जी क्या कहता है हाँ महाराज बट बिफोर वी बिगिन अवर वर्क वी रिक्वायर द प्योरेस्ट गोल्ड थ्रेड कहते कि जब हम हम क्या करें बिफोर वी बिगिन अवर हम अपना काम शुरू करें तो हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट आवश्यकता है नीड ज़रूरत है शुद्ध सोने के धागे की ज़रूरत है सेकेंड टेलर एंड वी मस्ट ऑल्सो हैव सेवरल ज्वेल्स टू सी योर मजेस्टिज न्यू क्लोथ्स और हमें बहुत सारे ज्वेल्स जहरात की भी आवश्यकता है आपके नए कपड़े सिलने के लिए

कहते यू विल बी गिवन अ रूम इन द पैलेस तुम्हें महल में एक कमरा दे दिया जाएगा जहाँ पर तुम नए कपड़े बनाओगे एंड एंड यू शैल नॉट लीव द पैलेस अंटिल यू हैव कम्प्लीटेड द वर्क और तब तक तुम महल को नहीं छोड़ सकते जब तक कि तुम अपना काम पूरा नहीं कर लो आई शेल वेयर द क्लोथ्स इन द प्रोसेशन दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू लीड टू डेज लेटर कहता है कि मैं ये जो नए कपड़े हैं शाही जो प्रोसेशन जो सम्मान होने वाला है उसका मैं जो दो दिन के बाद होने वाला है मैं उसमें पहनना चाहूँगा पहनूँगा पार्डन अज योर मेजेस्टी हमें क्षमा करें महाराज वी हैव कम हेयर टू शो यू दैट वी हैव डिस्कवर्ड अ मैजिक वे ऑफ मेकिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल सिल्क क्लॉथ कहते हैं कि वी हैव कम हेयर टू शो यू हम आपको ये दिखाने आए थे कि हमने खोजा है अ मैजिक वे ऑफ मेकिंग द मोस्ट एक जादुई तरीका किस कैसा तरीका ऑफ मेकिंग सिल्क क्लॉथ सबसे सुंदर सिल्क के कपड़े बनाने का जादुई तरीका खोजा है सेकेंड टेलर योर मेजेस्टी महाराज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स वी स्टिच इज़ दैट ओनली वाइस मैन कैन सी वट यू आर वेयरिंग कहते हैं कि सबसे मुख्य स्पेशल मीन विशेष इसका गुण क्या है कि जो कपड़ा हम सिलते हैं वो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उसे देख पाएगा जो आप उसको पहनोगे जो हम कपड़ा आपके लिए तैयार करेंगे उसे केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही देख पाएगा बट फूल्स विल नॉट बी एबल टू सी देम एट ऑल परंतु मूर्ख इसको बिल्कुल भी देखने के योग्य नहीं होंगे फर्स्ट टेलर एंड बाय वेयरिंग दीज क्लोथ्स यू विल बी एबल टू जज योर मिनिस्टर्स कहता है तो ये कपड़े पहनने के बाद आप अपने मंत्रियों को भी जज उनको जज कर सकते हो मींस आप उनकी आपको पता चल जाएगा कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान एंड योर ऑफिसर्स इजीली कहते आप अपने मंत्रियों और ऑफिसर्स को आसानी से उनको चेक कर सकते हो ओनली दोज हु आर क्लेवर एंड फिट फॉर देयर जॉब्स विल सी वट यू वेयर कहते हैं कि केवल वही जो चलाक हैं और अपनी नौकरी के लिए जॉब्स अपने काम के लिए फिट हैं योग्य हैं वही आपके पहने हुए कपड़े देख पाएंगे दोज हु आर फुलिश एंड अनफिट फॉर देयर वर्क विल नॉट सी एनीथिंग कहते जो मूर्ख हैं और जो अपने काम के लिए अयोग्य हैं वो कुछ भी नहीं देख पाएंगे क्लियर हो गया नाउ सीन टू अब ये पहला सीन था अब सेकंड सीन शुरू होता है रूम इन द पैलेस महल में एक कमरे कमरे का सीन आता है द टू टेलर्स आर वर्किंग विद द थ्रेड एंड नीडल्स एज इफ स्टिचिंग समथिंग कहता है कि दोनों दर्जी क्या कर रहे हैं धागे के साथ और धागे और सुइयों के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ बना रहे हूँ चीफ मिनिस्टर आता है एंटर्स द रूम कमरे में अंदर प्रवेश करता है हिज मजस्टी हैज़ सेंट मी टू फाइंड आउट हाउ यू आर गेटिंग ऑन विद योर वर्क बट दे बट वेयर इज़ द क्लोथ आई डोंट सी एनी क्लोथ हेयर कहते हैं कि महाराज ने मुझे भेजा है कि तुम अपना काम कैसे कर रहे हो परंतु कपड़ा कहाँ है मुझे यहाँ कपड़ा दिखाई आई डोंट सी एनी क्लॉथ हेयर मुझे यहाँ कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा फर्स्ट टेलर ओ देर आर देयर यू आर सर वी वर एक्सपेक्टिंग यू कहता है कि फर्स्ट टेलर क्या कहता है ओ देर आर यू सर आप यहाँ हो श्रीमान वी वर एक्सपेक्टिंग यू स्टेप दिस वे स्टेप दिस वे इफ़ यू प्लीज़ वो क्या कहते हैं हम आपको ही एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके लिए ही आशा कर रहे थे उम्मीद लगाई थी हमें आशा थी कि आप आ रहे हो स्टेप दिस वे दिस वे इधर से आइए स्टेप दिस वे इफ़ यू प्लीज़ कृपया इधर से आओ दूसरा टेलर क्या कहता है डोंट यू लाइक द पैटर्न सर क्या आपको पैटर्न 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 मीन्स डिज़ाइन जो हम पैटर्न बना रहे हैं कपड़े का क्या आपको पसंद नहीं आया डोंट यू लाइक द पैटर्न सर श्रीमान क्या आपको पैटर्न पसंद नहीं आया चीफ मिनिस्टर कंप्लीटली पजल्ड पूरी तरह से पज़ल हो गया येस येस दे आर वेरी गुड अब वो उसको वो बात याद आ गई कि मूर्ख को तो दिखाई नहीं देगा और बुद्धिमान को दिखाई देगा तो वो क्या आंसर देता है येस yes, येस yes. हाँ हाँ ये बहुत अच्छे हैं फर्स्ट टेलर यू मे टेल हिज मजेस्टी हाउ हार्ड वी हैव बीन वर्किंग कहता है आप महाराज को बता सकते हो कि हम कितनी मेहनत सखत मेहनत कर रहे हैं बट वी नीड

स्पीकिंग टू हिमसेल्फ एज ही लीव्स द रूम अपने आप से वो बातें करता है करता हुआ कमरे से जैसे बाहर निकलने के लग निकलता है तो अपने आप से बोलता है हेवेंस हेल्प मी भगवान मेरी सहायता करो देर वॉज नो क्लोथ वहाँ कोई कपड़ा नहीं था बट द टेलर हैड सेड परंतु टेलर ने कहा था ओनली वाइस मैन कैन सी द क्लोथ्स दैट वी मेक जो हम कपड़ा बनाते हैं वो केवल बुद्धिमानों को ही नज़र आता है बुद्धिमान आदमी ही उसको देख पाता है एंड दोज हु कैन नॉट सी दैम आर फुलिश एंड अनफिट फॉर देयर जॉब्स और जो क्या नहीं करता है और जिसको कपड़ा नज़र नहीं आता है वो क्या है मूर्ख है और अपनी काम के अपनी नौकरी के लिए अयोग्य है एम आई अ फूल क्या मैं एक मूर्ख हूँ एम आई अनफिट फॉर दिस पोस्ट क्या मैं इस कार्य इस नौकरी के लिए इस जो पद के लिए भी अयोग्य हूँ आई मस्ट सेंड माई स्पेशल असिस्टेंट टू सी वट द रियली हैपनिंग हेयर कहते हैं मुझे अपने स्पेशल जो मेरा विशेष असिस्टेंट है मुझसे जो मेरा असिस्टेंट है मुझे उसको भेजना चाहिए देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है उसके बाद अब सीन थ्री द टेलर्स रूम अब फिर दोबारा टेलर का कमरा आ गया है द स्पेशल असिस्टेंट एंडर्स द रूम अब वो उसने जिसको विशेष सहायक को भेजा है अपने तो वो कमरे में दाखिल होता है स्पेशल असिस्टेंट टू हिमसेल्फ़ गुड हैवन्स वट आर दीज टू टेलर्स डूइंग कि ये दोनों टेलर्स क्या कर रहे हैं दोनों दर्जी क्या कर रहे हैं आई डोंट सी एनी क्लोथ्स एनी वेयर मुझे कोई भी कपड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है फर्स्ट टेलर सींग द स्पेशल असिस्टेंट जब वो दर्जी विशेष सहायक को देख देख कर ओ सर स्टेप दिस वे स्टेप दिस वे इफ़ यू प्लीज इधर से आइए इधर से आइए कृपया इधर से आइए अब सेकंड टेलर क्या कहता है वी होप द वर्क वी हैव डन विल प्लीज़ यू एज इट हैज़ प्लीज द चीफ मिनिस्टर सेकेंड टेलर दूसरा दर्जी क्या कहता है कि हमने जो काम किया है वी होप हम आशा करते हैं कि जो हमने काम किया है वो आपको भी पसंद आएगा जैसे इसने मुख्यमंत्री को खुश किया है स्पेशल असिस्टेंट येस द चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी दैट ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद योर वर्क कहता है कि चीफ मिनिस्टर ने मुझे बताया है कि वो बहुत खुश हैं ही वॉज वेरी हैप्पी विद योर वर्क वह तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं फर्स्ट टेलर लुक एंड सी हाउ ब्यूटिफुल द सर्कल्स एंड लाइन्स आर अब पहला दर्जी क्या कहता है देखो इसके जो सर्कल चक्र और लाइनें कितनी सुंदर हैं सेकेंड टेलर एंड द कलर्स द डार्क रेड एंड द स्काई ब्लू ऑन द गोल्ड बैकग्राउंड कौन से कलर बताता है डार्क रेड गहरा लाल और स्काई ब्लू नीला ऑन द गोल्ड बैकग्राउंड जो इसका नीचे है बैकग्राउंड कैसी है उसकी गोल्ड की स्पेशल असिस्टेंट येस दे आर वेरी गुड वो क्या कहता है हाँ ये बहुत अच्छी हैं बट हिज मेजेस्टी वुड लाइक टू नो वेन द न्यू क्लॉथ विल बी रेडी कहते हैं परंतु महाराज ये जानना चाहते हैं कि नए कपड़े कब तक तैयार हो जाएंगे फर्स्ट टेलर पहला टेलर क्या कहता है टेल हीज मेजेस्टी दैट द न्यू क्लॉथ विल बी रेडी टुमारो मॉर्निंग कहते हैं कि महाराज को बता देना कि कल सुबह नए कपड़े तैयार हो जाएंगे स्पेशल असिस्टेंट स्पीकिंग टू हिमसेल्फ एज ही गोज आउट अब जैसे वो बाहर जाता है वो भी अपने आप से बात करता है ओ लॉर्ड हे भगवान हेल्प मी मेरी सहायता करो एम आया फूल क्या मैम एक मूर्ख हूँ एम आई अनफिट फॉर द जॉब मैं क्या अपने पद के लिए अयोग्य हूँ आई डोंट नो मैं नहीं जानता बट आई मस्ट कीप दीक्रेट टू माई सेल्फ़ परंतु मुझे ये रहस्य सिर्फ अपने तक रखना है अब वो देखो वो दोनों दर्जी हैं वो कितने चालाक हैं उन्होंने बेवकूफ वो बेवकूफ बना रहे हैं सोना भी लिए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं कपड़ा जी सिर्फ ये बुद्धिमानों को ही नज़र आएगा राजा तो मूर्ख था ही अब बाकियों का भी देखते हैं क्या होता है सीन फोर फोर्थ सीन आता है द एम्प्रर एंटर्स द हॉल फॉलोड बाय द चीफ मिनिस्टर द स्पेशल असिस्टेंट एंड अदर कर्टियर्स जो राजा है जो शासक है वो हॉल में आता है प्रवेश करता है और उसके पीछे पीछे फॉलोड बाय द चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होता है द स्पेशल असिस्टेंट विशेष सहायक और बाकी दरबारी कर्टियर्स दरबारी द टू टेलर्स कम इन बोइंग टू द एम्प्रर और दोनों दर्जी अपने आप को राजा के सामने झुकाते हुए फर्स्ट टेलर कमिंग फॉरवर्ड टू द एम्प्रर प्रिटेंडिंग टू होल्ड द इनविजिबल क्लोथ्स इन हीज हैंड कहते हैं कि वो कमिंग फॉरवर्ड आगे आता है किसकी तरफ राजा की तरफ, तरफ प्रिटेंडिंग बहाना करता है कि जैसे उसने इनविजिबल अदृश्य कपड़ों को हाथ में उठाया हो एंड बोइंग टू हिम और उसकी ओर झुकता है हेयर योर मजेस्टी आर द न्यू क्लॉथ्स कहते महाराज ये आपके नए कपड़े हैं विच यू विल वेयर इन द प्रोसेशन जो आप उसमें समारोह में पहनोगे सेकेंड टेलर मे वी रिक्वेस्ट यू योर मेजेस्टी टू कम टू द ड्रेसिंग रूम सो दैट वी मे हेल्प यू टू वेयर द्यू क्लॉथ्स कहते हैं कि महाराज आपसे प्रार्थना है कि आप ड्रेसिंग रूम में आओ हम ताकि हम आपको नए कपड़े पहनाने में क्या करें हेल्प करें सहायता करें द एम्प्रेर गोज़ टू द ड्रेसिंग रूम अब एम्प्रेर कहाँ जाता है ड्रेसिंग ड्रेसिंग रूम में जाता है एम्प्रॉय मींस शासक कहा जाता है अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है चीफ मिनिस्टर योर मेजेस्टी द पीपल आर वेटिंग आउटसाइड यू टू इन योर न्यू क्लोथ अब चीफ मिनिस्टर आता है और वो क्या कहता है कि महाराज लोग क्या कर रहे हैं बाहर आपको नए कपड़ों में देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं एम्ब्र स्पीकिंग फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम ड्रेसिंग रूम से बोलता है सर्टनली अवश्य अवश्य सटनली सटनली आई हैव जस्ट पुट द वंडरफुल क्लॉथ्स मैंने लगभग अद्भुत कपड़े पहन ही लिए हैं दीज टी टेलर्स हैव मेड फॉर मी कहता कि जो इन दर्जी दर्जियों ने मेरे लिए बनाए हैं मैंने लगभग पहन लिए हैं आई विल कम आउट एज सुन एज आई एम रेडी जैसे ही मैं तैयार हो जाता हूँ मैं बाहर आता हूँ जल्दी ही बाहर आता हूँ द एम्ब्र इज़ सीन कमिंग आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम अब ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए देखा जा सकता है नेक्ड एंड वॉकिंग थ्रू द हॉल टू द बालकोनी वो कहाँ से दिखाई दे रहा है वो नेक्ड बिल्कुल नंगा है एंड वॉकिंग थ्रू द हॉल वो हॉल के बीच की जो बालकोनी है उसमें चल रहा है चल रहा है बाहर लोगों को दिखाने के लिए द कर्टियर्स शो ग्रेट सरप्राइज टू सी द एम्प्र हैविंग नो क्लोथ्स ऑन हिज बॉडी जो दरबारी हैं वो भी हैरान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि शास राजा ने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है बट नो वन सेज एनी थिंग परंतु कोई भी कुछ नहीं कहता है बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड दैट दे हैव बीन टोल्ड दैट ओनली वाइस मैन विल बी एबल टू सी द एम्प्रर्स न्यू क्लोथ क्योंकि उनको बताया गया था कि केवल बुद्धिमान लोग ही उसके नए कपड़ों को देख सकते हैं एंड पीपल हु आर फूल्स और लोग जो मूर्ख हैं एंड अनफिट फॉर देयर जॉब्स जो अपने पद के योग्य नहीं हैं विल नॉट सी देम उनको नहीं देख सकेंगे लाउड चेयर्स एंड हर्ड फ्रॉम द क्राउड स्टैंडिंग ऑन द रोड आउटसाइड कहते लाउड चेयर्स ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं एंड सुनी जा रही थी भीड़ के बीच में से सड़क पर भी बाहर आवाज़ें आ रही थी व्हेन द एम्प्र रिच द बालकनी जब बालकनी में पहुँच जाता है चेयर स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन सारे चेयर्स जो आवाज़ थी जो राजा को देखने के उत्साहित जो लोग बोल रहे थे वो सब एकदम से चुप हो जाते हैं एंड देर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर बिल्कुल शांति हो जाती है बिल्कुल पूरी तरह से शांति हो जाती है देन द वॉइस ऑफ अ लिटिल चाइल्ड इज हर्ड तब एक छोटे बच्चे की आवाज सुनी जाती है क्राइंग आउट विद लाफ्टर जो कि तेज आवाज से खुशी से चिल्लाता है लुक लुक डैडी देखो देखो डैडी द हैज़ नो क्लोथ्स ऑन एट ऑल ही इज़ नेक्ड एज अ बेबी तो वो क्या कहते हैं कि देखो राजा ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं ही इज़ नेक्ड एज अ बेबी वह एक बच्चे की तरह नंगा है मतलब जैसे बच्चा छोटा बच्चा होता है तो वो जब पैदा होता है तो उसने कोई कपड़े नहीं पहने होते ना बच्चे ने सेम ऐसे राजा भी लेकिन वो प्रिटेंड क्या कर रहा था कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं अपने आप को देखो कैसे दिखा रहा है क्योंकि वो दोनों दर्जियों ने उसको मूर्ख बनाया उसको और उसके दरबारियों को क्योंकि दरबारियों ने नहीं कहा क्यों नहीं कहा क्योंकि उनको डर था कि राजा उनको उनकी नौकरी से ना निकाल दे। आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एक्सरसाइज थैंक यू